आप सभी बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है आप राजस्थान जीके ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएसटीसी परीक्षा 2009 का जो राजस्थान सामान्य ज्ञान का जो पेपर है उसको मैं हल करने वाला हूँ आपके साथ में। देखते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। इसमें से 50 प्रश्नों को हल करूंगा और भी हैं दोस्तों, बहुत सारे हैं, हिंदी का भी है और हिंदी के साथ साथ रीजनिंग का भी है, शिक्षण अभिरुचि का भी है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। फिलहाल मैं आपके लिए सामान्य ज्ञान का ये पेपर है वो सोल्व करने वाला हूँ। ये पूरा 2009 का पेपर है जो आपके बीएसटीसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं सभी के सभी, ठीक है। तो आप पेशेंस बनाकर वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं आज किस वीडियो की। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका जो 2009 की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था कि राजस्थान राज्य की प्रमुख फसल कौन सी है। तो राजस्थान राज्य की प्रमुख फसल पूछी गई थी आपकी 2009 में। तो आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान राज्य की प्रमुख फसल है बाजरा। क्या है? बाजरा, ठीक है प्यारे साथियों। तो चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि खानवा का युद्ध में कौन पराजित हुआ था। तो खानवा की जो युद्ध हुआ था उसमें कौन पराजित हुआ था। तो खानवा के युद्ध में दोस्तों आपको पता होना चाहिए अपने महाराणा जो सांगा थे, महाराणा सांगा पराजित हुए थे खानवा के युद्ध में। कौन हुए थे? महाराणा सांगा क्या हुए थे? पराजित हुए थे, यानी कि महाराणा सांगा की हार हुई थी। इसी के साथ अगला तीसरा प्रश्न है कि राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा। तो राजस्थान में दोस्तों छप्पनिया जो अकाल है दोस्तों वो अपने 1956 विक्रम संवत में पड़ा था, ठीक है। विक्रम संवत 1956 में पड़ा था, ना कि संक संवत में, ना कि ईसा पूर्व में, ठीक है। इनमें से कोई तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो आएगा 1956 विक्रम संवत में। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती। तो ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती राजस्थान राज्य की। तो इनमें से दोस्तों आ जाएगा कोटा की मिलती है, करौली की मिलती है, धौलपुर की लगती है, लेकिन जयपुर की सीमा एमपी के साथ साझा नहीं करती है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगला है कि नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों, ये कपड़े का नाम है नमदे, ठीक है। तो ये अपने बीकानेर जिले का प्रसिद्ध है नमदे बनाने के लिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है कि मैग्नीज बहुतायत से पाया जाता है। तो किस जिले में मैग्नीज बहुतायत से पाया जाता है दोस्तों। तो मैग्नीज बहुतायत से पाया जाता है अपने बांसवाड़ा जिले में, मैग्नीज बहुतायत से पाया जाता है। इसी के साथ सातवां प्रश्न है कि राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक लंबा था। तो राजस्थान का एक मुख्यमंत्री था उसका कार्यकाल सबसे लंबा था दोस्तों, और इनमें है वो मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया जी का जो कार्यकाल था दोस्तों वो बहुत लंबा माना जाता है औरों के मुकाबले। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि दर्रा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। दोस्तों दर्रा वन्य जीव जो अभयारण्य है दोस्तों वो अपने कोटा जिले में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे है? कोटा जिले में है, ठीक है। इन प्रश्नों को आप सही ढंग से पढ़ लें दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न देखना मैं आपको सारे जो मॉडल पेपर है 2022 तक के उनको सोल्व करवाऊंगा, तब जाकर आप खुद कहोगे कि कितने सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है गुलाबो किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है, यानी कि गुलाबो है वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो गुलाबो का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, ये अपने किस में प्रसिद्ध है? नृत्य, यानी कि डांस में प्रसिद्ध है गुलाबो, ठीक है। कालबेलिया नृत्य में प्रसिद्ध है गुलाबो दोस्तों। अगला राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार आपसे पूछ रहे दोस्तों, तो आप क्या बताओगे? राजस्थान का प्रवेश द्वार आपको एक ही बताना है और वो है भरतपुर जिला। भरतपुर जिले को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। और राजस्थान का सिंह द्वार दोस्तों आपसे पूछ ले तो आपको बताना है अलवर जिले को राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य का, यानी कि राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है। तो राजकीय पक्षी कह दीजिए, राज्य पक्षी कह दीजिए, ये कौन सा है दोस्तों? तो वो है दोस्तों गोडावन पक्षी, ठीक है। गोडावन पक्षी जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है, ये अपने राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी है, आपसे पूछ सकता है, आपको जरूर याद रखना है प्यारे साथियों, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था कि तिम्मनगढ़ का किला कहाँ पे स्थित है। दोस्तों तिम्मनगढ़ का जो किला है प्यारे साथियों ये अपने करौली जिले में स्थित है, तिम्मनगढ़ का किला। चलिए और प्रश्नों की बात कर लेते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, पेशेंस बनाकर वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पेशेंस बनाकर वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और आपका जो स्कोर है वो साझा जरूर करें कि हमारे इतने प्रश्न सही हुए हैं इतने में से, ठीक है। तो आप पेशेंस बनाकर इस वीडियो को देखते रहे प्यारे साथियों। चलिए हाँ, तो प्यारे साथियों अगला प्रश्न पूछा गया था कि लोकसभा चुनाव 2009 में सचिन पायलट किस स्थान से सांसद बने थे। तो ये 2009 का प्रश्न है, करंट अफेयर से संबंधित था, तो आपके ऐसे प्रश्न तो पूछे नहीं जाएंगे, करंट अफेयर के भले ही पूछे जाएंगे। अगर आपको क्वालिटी थोड़ी मीडियम लग रही है दोस्तों तो थोड़ा सहन कर लीजिए, इस पीडीएफ की क्वालिटी थोड़ी सी खराब है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो लोकसभा चुनाव 2009 में सचिन पायलट अपने कहाँ से थे दोस्तों, ये अपने सांसद थे अजमेर से, ठीक है, उस समय सचिन पायलट की बात आ रही है, ठीक है। इसी के साथ चलिए अगले प्रश्नों की बात करते हैं।
तो अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि बिजोलिया आंदोलन किसने शुरू किया था। दोस्तों बिजोलिया आंदोलन किसने शुरू किया था ये आपसे पूछ सकता है। तो बिजोलिया जो आंदोलन है दोस्तों ये अपने विजय सिंह पथिक के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अगला है कि राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है। दोस्तों नमदे के लिए तो अपने बीकानेर प्रसिद्ध थी। ठीक है, नमदे है उसके लिए तो बीकानेर प्रसिद्ध था, लेकिन अब नमक उत्पादन के लिए पूछ सकता है आपसे कि नमक उत्पादन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है। तो आपको बताना दोस्तों सांभर झील अपने नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है कि बिसलपुर किस जिले में स्थित है। तो बिसलपुर अपने किस जिले में है प्यारे साथियों, तो टोंक जिले में है बिसलपुर। कहाँ पे है, बिसलपुर बांध है जो अपने टोंक जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ पे हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, कई बार पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। महाराणा प्रताप की जो मृत्यु थी दोस्तों अपनी चावंड में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, चावंड में हुई थी। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि राजस्थान में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व किस जिले में है। तो राजस्थान में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व आपसे पूछ सकता है। तो आपको बताना है प्यारे साथियों राजस्थान के अंदर जनसंख्या का सबसे कम घनत्व फिलहाल की तुलना में जैसलमेर जिले में ही है। यानी कि जैसलमेर जिले में सभी जिलों के मुकाबले, चाहे 50 जिले बन जाए चाहे 33 जिले हो, उन सभी जिलों के मुकाबले राजस्थान के जो जैसलमेर जिला है उसमें आज भी सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मत्स्य राज्य की राजधानी क्या थी। तो मत्स्य राज्य, जो मत्स्य राज्य था उसकी राजधानी अपने अलवर थी। ठीक है, क्या थी, अलवर थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो राजस्थान का जो तकनीकी विश्वविद्यालय है प्यारे साथियों ये अपने कोटा जिले में स्थित है। ठीक है, कोटा जिले को दोस्तों शिक्षा की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अपने राजस्थान की तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न, राजस्थान की कौन सी जनजाति पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती है। तो दोस्तों राजस्थान की एक जनजाति है जो पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती है और वो है मीणा जनजाति। ठीक है, मीणाओं की जनसंख्या पूर्वी भाग में ज्यादातर देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि राज्य की कौन सी नदी यमुना में मिलती है। तो राजस्थान राज्य की एक ही नदी है जो यमुना नदी में मिलती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो वो नदी है बाणगंगा नदी। ठीक है, बाणगंगा नदी फिलहाल वो सूखी पड़ी हुई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई थी। तो कालीबंगा सभ्यता अपने सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। कहाँ पे, सरस्वती नदी को ही फिर बाद में जाके गग्गर नदी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की बात कर लेते हैं, इनकी थोड़ी सी क्वालिटी ठीक ठाक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो राजस्थान राज्य का कौन सा क्षेत्र है जो डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, और वो है दोस्तों अपना कौन सा क्षेत्र, आप सबको बताना है। करौली और धौलपुर जो ये क्षेत्र है वो अपने राजस्थान राज्य के डांग क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। डांग नहीं, डांग, डांग। ठीक है, चलिए बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है। दोस्तों बौद्ध मंदिर के जो स्मारक है प्यारे साथियों ये अपने बैराट, बैराट में स्थित है। ठीक है, अगला कि बीकानेर रियासत की कुलदेवी कौन सी थी। तो बीकानेर रियासत की कुलदेवी के नाम से अपने करणी माता को जाना जाता है। करणी माता जिसको चूहो वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं चूहो वाली देवी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको बता देना है प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे कम साक्षर जिला यानी कि सबसे कम पढ़ा लिखा जिला की बात करें तो वो है दोस्तों अपना बांसवाड़ा। फिलहाल के हिसाब से बांसवाड़ा ही है। ठीक है, राजस्थान का सबसे कम साक्षर जिला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बेड़च नदी का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों बेड़च नदी का दूसरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है आयड़ नदी को ही बेड़च नदी का दूसरे नाम से जाना जाता है। राजस्थान के वर्तमान गृह मंत्री कौन है। तो राजस्थान के वर्तमान गृह मंत्री, वर्तमान की तो बात करें वो तो उस समय शांति धारीवाल थे। ठीक है, अब तो दूसरे हैं। ठीक है, चलिए उस समय की बात है 2009 की। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू कहाँ पैदा किया जाता है। तो व्यापक मात्रा में किन्नू की पैदावार दोस्तों ये अपने गंगानगर जिले में ही होती है सबसे ज्यादा। राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो राजस्थान में जो विधानसभा है, राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या दोस्तों आज भी कितनी है, 200 है। ठीक है, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहाँ पे भरता है। दोस्तों शीतला माता का जो मेला है प्यारे साथियों आपको बताना है, ये अपने चाकसू में भरता है। ठीक है, चाकसू कहाँ पे है, चाकसू अपने जयपुर में है और जयपुर में प्रसिद्ध शीतला माता का मेला भरता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है कि तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है। दोस्तों तारागढ़ दुर्ग आपसे पूछ सकता है, तारागढ़ अपने अजमेर जिले में स्थित है तारागढ़ दुर्ग। ठीक है, अगला है कि केवला देवी घना पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो केवला देवी घना पक्षी अभयारण्य आपसे पूछ सकता है, तो आपको बताना है भरतपुर जिले में स्थित है। केवला देवी घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और केला देवी पूछ सकता है, केला देवी, तो केला देवी अपने करौली में है। ठीक है, चलिए
अगला कि जोहर मेला कहाँ भरता है। दोस्तों जोहर मेला के बारे में बात करें तो जोहर मेला अपने चित्तौड़गढ़ जिले में भरता है। अगला झुंझुनू जिला किस धातु के लिए प्रसिद्ध है, तो झुंझुनू जिले के बारे में बात करें तो अपने तांबा कॉपर के लिए प्रसिद्ध है झुंझुनू जिला। और झुंझुनू के झुंझुनू में पर्टिकुलर स्थान पूछ रहे तो खेतड़ी आपको बताना है, खेतड़ी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि ब्रह्मा मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो ब्रह्मा मंदिर आपसे पूछ सकता है कि ब्रह्मा मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ब्रह्मा मंदिर एक जगह ही है, वो है पुष्कर में, और पुष्कर में भी कहाँ पे, अजमेर में। ठीक है, पुष्कर अजमेर में ब्रह्मा मंदिर स्थित है। डबोक हवाई अड्डा आपसे पूछ सकता है, तो डबोक हवाई अड्डा अपने उदयपुर जिले में स्थित है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करें तो राजस्थान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो आज भी राजस्थान के राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 10 है दोस्तों। ठीक है, 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं राज्यसभा। ठीक है, अगला मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है, यानी कि हिरणों की संरक्षण के लिए अपनी एक जाति है विश्नोई जाति, ये अपने प्रसिद्ध है और सबसे ज्यादा जोधपुर जिले में देखने को मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है। तो उत्तर प्रदेश राज्य से दोस्तों इनमें से कौन सा जिला है जिसकी सीमा यूपी से मिलती है, तो यूपी से दोस्तों अपने किस जिले की मिलती है, तो भरतपुर की मिलती है यूपी से। ठीक है, चलिए अगला कि नक्की झील कहाँ पे है। दोस्तों नक्की झील आपसे पूछ सकता है, तो नक्की झील अपने माउंट आबू में है। माउंट आबू कहाँ पे, सिरोही में है। हिंदुस्तान जिंक प्लांट किस जिले में स्थित है। दोस्तों हिंदुस्तान जिंक प्लांट आपसे पूछ ले तो आपको बताना है उदयपुर में है हिंदुस्तान जिंक प्लांट। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो आठवीं योजना में सूरतगढ़ में किस तरह की परियोजना शुरू की गई थी। तो आठवीं योजना में सूरतगढ़ में दोस्तों एक परियोजना शुरू की गई थी और वह थर्मल पावर परियोजना। ठीक है, और सूरतगढ़ कहाँ पे है, गंगानगर में है। ठीक है, अगला एक गोगा मेडी पशु मेला कहाँ भरता है। दोस्तों गोगा मेडी पशु मेला के बारे में आपसे पूछ सकता है, आपको बताना गोगा मेडी पशु मेला अपने हनुमानगढ़ जिले में भरता है। गोगा मेडी अपने हनुमानगढ़ जिले में ही है। ठीक है, स्थान का नाम है गोगा मेडी। अगला है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस विशाल मात्रा में मिला है। तेल एवं प्राकृतिक गैस अपने विशाल मात्रा में भंडार मिले हैं अपने जैसलमेर में। अगला एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दोस्तों दरगाह आपसे पूछ सकता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको बताना है अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। अगला प्रश्न है कि सरगासुली स्थित है, सरगासुली कहाँ स्थित है। तो सरगासुली अपने जयपुर में स्थित है प्यारे साथियों, सरगासुली। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न है जीके का कि निम्न में से किस जिले में कोई रेल मार्ग नहीं है। तो इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है कि ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे कोई रेल मार्ग नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, राजस्थान जी के ट्रेनिंग नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू, धन्यवाद।